महागठबंधन में कई सीटों को लेकर पेच फंसा है तो रांची सीट को लेकर भी पेच फंसा ही नजर आ रहा है। रांची सीट से कांग्रेस भी लड़ना चाहती है और जेएमएम भी। कांग्रेस के कई दावेदार तो दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट। गुप्ता, संजय पांडे, राजीव रंजन, आदित्य विक्रम जायसवाल, ज्योति मथारू, कुमार राजा, ये वो नाम है जो रांची सीट के लिए कांग्रेस की टिकट के दावेदार। पर पेंच ये है कि महागठबंधन के फॉर्मूले के हिसाब से तो ये सीट जेएमएम के खाते में जाती है। अब दावेदार क्या कह रहे हैं वो सुनिए। निर्णय हुआ नहीं, सीटों पे बात चली है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते पहले भी हमारा बैकग्राउंड देखेंगे तो जयप्रकाश गुप्ता रहे, देवदत्त साहू जी रहे, ज्ञान रंजन जी रहे, तो कांग्रेस का ये सीट रहा है। बीच में एक लंबे समय तक भाजपा के लोग यहाँ से जीतकर निश्चित गए हैं, मगर रीजनल पार्टी का जो शहरी अर्बन का क्षेत्र है वहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, क्लास के लोग रहते हैं, मध्यम परिवार के भी लोग रहते हैं, तो अगर कोई उसका नापने का पैरामीटर हो तो हमें समझ में नहीं आता। मगर कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे राजधानी की सीट है, यहां से लड़ेगी चुनाव। सुना आपने, रांची चूकी राजधानी की सीट, ऊपर से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय वाली सीट, तो इस सीट की कुर्बानी कांग्रेस के लिए इतनी आसान कहां रहने वाली है। हालांकि दावेदार महागठबंधन से भी इनकार नहीं कर रहे, करेंगे जो हमारे अलायंस पार्टनर रहेंगे कि सबकी अपनी अपनी कार्य क्षेत्र होती है और कहां पर किनकी संपन्नता या पकड़ होती है जनता के बीच में, तो उस चीज को भी देखा जाएगा। और राजधानी का सीट होने के नाते और कांग्रेस का पहले भी अपना इतिहास रहा, मैं खुद डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा था, लगभग 65,000, 66,000, 70,000 ऐसा वोट आया था, तो शहर की जनता ने ही हमें वोट दिया था और पूरे देश में एक माहौल था भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का आदरणीय, उसके बावजूद हम लोगों ने इतना वोट लाया था। तो ये एक ये बनता है, दावा बनता है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी हुआ है और मजबूत दावेदारी भी रांची सीट के लिए हम लोगों की है। बाकी दिल्ली नेतृत्व को डिसाइड करना है कि प्रदेश मुख्यालय का सीट लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखा जाए भाजपा की राजनीतिक जमीन यहां से घसक चुकी है और कांग्रेस ही एक विकल्प है रांची सीट के लिए और हमें मजबूती से इस सीट को लड़ना चाहिए। एक तरफ महागठबंधन का राग है, दूसरी तरफ उम्मीद है, टिकट की आस है। अब जीत उम्मीद की होती है या फिर राग सफल होता है, ये तो वक्त बताएगा। विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 भारत, रांची।